नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का प्रॉपर एनालिसिस में स्वागत है। आज जिस प्रोजेक्ट को हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, ये एक्सप्रेस बिल्डर का प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस जैनित के नाम से। उसके अभी हम लोग एंट्रेंस गेट पे खड़े हुए हैं और यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। आज हम पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि कौन से बिल्डर का प्रोजेक्ट है, कब ये स्टार्ट हुआ था, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या क्या फीचर हैं। तो चलिए इसकी एक डिटेलिंग करते हैं। ये देखिए, सामने आपको मार्केट दिख रहा है। सबसे स्टार्टिंग में मार्केट है एंट्रेंस गेट से लग के, और काफ़ी सारे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस बिल्डर का प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा एक्सप्रेस बिल्डर के बारे में आपको बता दूँ, ये काफ़ी फेमस बिल्डर हैं और काफ़ी पुराने बिल्डर हैं। लगभग 40 ईयर्स ओल्ड ये बिल्डर हैं और इन्होंने इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ जैसे बैंगलोर है, पुणे है और दिल्ली NCR में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। इनके दो फेमस प्रोजेक्ट हैं, एक इंदिरापुरम में है एक्सप्रेस गार्डन के नाम से और एक वैशाली में है ग्रीन अपार्टमेंट्स के नाम से। तो इस समय अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये एंट्रेंस लॉबी है, इटालियन फिनिश की लॉबी है जिसमें दोनों तरफ आपको ग्रीन मिलता है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 6 टावर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट की मैं बात करूँ तो लगभग 712 अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। और जो टावर्स की हाइट है वो ग्राउंड प्लस 19 है और रेक्टेंगुलर शेप का ये प्लॉट है और जो टोटल प्रोजेक्ट जो फेस करता है वो ईस्ट फेस करता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एंट्रेंस लॉबी कितनी खूबसूरत बिल्डर ने बनाई है यहाँ पर। तो जो इसमें अपार्टमेंट टाइप्स और जो साइज़ हैं अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो वो 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स ही हैं ओनली, जिसमें सबसे छोटा साइज़ वो 1075 का 2 बेडरूम का है। उससे बड़ा अगर नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे साइज़ की तरफ तो 1310 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम प्लस स्टडी है। तीसरा साइज़ जो है वो 1470 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट है। उसके बाद नेक्स्ट साइज़ जो है 1695 है, वो 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट। और सबसे बड़ा साइज़ जो है दोस्तों वो 1765 का है, जिसमें 3 बेडरूम और 4 टॉयलेट आपको मिलते हैं प्लस स्टडी मिलता है। तो इस समय हम लोग मेन इसका जो कॉरिडोर, जो मेन एंट्रेंस, जो बुलेवर्ड है, जो ग्रीन बुलेवर्ड है, उसकी तरफ जा रहे हैं और आपको पूरा इंटरनल व्यू हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे स्टार्टिंग में आपको ये बच्चों का जो है प्लेइंग एरिया दिख रहा है। काफ़ी सारे ये इसमें राइड्स वगैरह डाले हैं बच्चों को खेलने के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ग्रीनरी है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है। और प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है सेक्टर 77 में है, काफ़ी फेमस सेक्टर है सेक्टर 77। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, काफ़ी खुला हुआ सेक्टर है ये और मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से बहुत क्लोज है। सेक्टर 50 का जो मेट्रो है, सेक्टर 78 का जो मेट्रो है, वो लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में है इस प्रोजेक्ट से। और प्रोजेक्ट के आसपास काफ़ी सारे स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो मानव रचना स्कूल सेक्टर 50 वाला यहाँ इसके पास में है, GD गोइंग का स्कूल पास में है इसके, प्लस LPSA ग्लोबल स्कूल है वो भी इसके पास में है। इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो प्रयाग हॉस्पिटल सेक्टर 41 में है और दूसरा जो हॉस्पिटल है वो लाइफ सेल हॉस्पिटल है सेक्टर 61 वाला। तो हॉस्पिटल भी आपको पास में मिलते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी पास में आपको मिलते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें तो अगर जो पास में जो FNG है, फेमस है, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद जो एक्सप्रेस वे है, वो लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सप्रेस वे जाना चाहें, नोएडा एक्सप्रेस वे जाना चाहें, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और ये देखिए, इसमें हम आपको टावर्स दिखा रहे हैं, कितने सुंदर इसके टावर्स हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग टावर की आई है। जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो वैभव जैन एंड एसोसिएट्स हैं, काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने डिज़ाइन करे हैं। इसके बाद हम आपको अभी और भी चीज़ें दिखाएंगे, क्लब में लेके जाएंगे, पूरी फीचरिंग हमने करी है, पूरा शूट करा है क्लब का। तो प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम थीम की बात करें तो कोई बहुत डिफरेंट थीम नहीं है, थोड़े वाटर फीचर्स वगैरह बिल्डर ने डाले हैं इसमें, वो आप देख सकते हैं। लैंडस्केपिंग खूबसूरत है, ग्रीनरी काफ़ी है प्रोजेक्ट में। अगर ओपन एरिया की मैं बात करूं तो लगभग 75% ओपन एरिया है और 25% जो है कवर्ड एरिया है प्रोजेक्ट में। ओपन जिम इसमें है और उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बच्चों के लिए स्केटिंग रिंक है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है वो बच्चों का झूला वगैरह आपको दिख रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 2011 में स्टार्ट हुआ था और जो स्टार्टिंग प्राइस था इसका 2800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। और प्रोजेक्ट जो ये कंप्लीट हुआ है ये 2016 में कंप्लीट हुआ है और अभी जो इसमें ट्रेडिंग चल रही है वो लगभग 5400 रुपये की ट्रेडिंग चल रही है पर स्क्वायर फीट की। और जो बिल्डर आपको ये जो फ्लैट देता है ये बेसिकली रॉ फ्लैट ही देते हैं, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इसमें आपको जो भी अपार्टमेंट अगर आप बुक कराते हैं तो फुल्ली लोडेड आपको मिलेगा, फुल्ली फर्निशिंग तरीके से आप कह सकते हैं आपको ये फ्लैट्स मिलेंगे। तो उसके एंट्रेंस लॉबी वगैरह काफ़ी खूबसूरत है, बैंक फंडिंग है, SBI से लेकर HDFC बैंक तक काफ़ी सारे फेमस बैंक हैं इसमें, नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक। तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, लगभग सारे ही टावर के इसका CC और OC आ चुका है। ये देखिए, इसमें हम लॉबी देख रहे हैं, इसमें जो फ्लैट की जो डिज़ाइनिंग है वो कॉरिडोर से बहुत अच्छी है, हर मतलब डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको दो दो अपार्टमेंट्स मिलते हैं,
8 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे और 3 लिफ्ट्स आपको मिलती हैं, जिसमें 2 पैसेंजर हैं और एक आपकी सर्विस लिफ्ट है फ्रेंड्स। 2 स्टेयर केस हैं इसमें और मैं कहूँ तो कॉरिडोर के अंदर सीसी कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं। पार्किंग इसमें आप ये मान के चलिए इन 700 फ्लैट्स के लिए लगभग दुगनी है, 1400 कार्स यहाँ पर पार्क हो सकती हैं इजीली। देखिए रैंप है बाहर निकलने के लिए, आउटर पेरिफेरी लेके आप बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स हैं और वेंटिलेटेड घर हैं। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं स्केटिंग रिंग पे, टीचर्स वगैरह हैं यहाँ पर। जो ये एम्फी थिएटर है फ्रेंड्स, इस समय हम लोग जो जा रहे हैं, इस समय हम लोग क्लब एरिया की तरफ जा रहे हैं। 14,000 स्क्वायर फीट का क्लब है जिसमें आपको फुल्ली एसी जिम मिलता है, एडल्ट पूल मिलता है, किड्स पूल मिलता है, सोना बाथ है, उसके बाद स्टीम बाथ है, प्लस आपको इंडोर गेम्स वगैरह बिलियर्ड स्नूकर्स वगैरह सब चीज़ हैं इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, काफ़ी हाइजीन ये लोग मेंटेन करते हैं। और जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी एलीट क्लास की फैमिलीज़ हैं। देखिए सिटिंग लाउंज है लोगों के बैठने के लिए। तो अगर आप अपना घर बुक कराना चाहते हैं सेंट्रल नोएडा में, तो एक ये काफ़ी अच्छा चॉइस आपकी हो सकती है। ये आप इस समय जो है बैंक्वेट हॉल देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बैंक्वेट हॉल इन्होंने बनाया है। कैपेसिटी इसकी 100 पीपल के आसपास है। आपको किटी पार्टी करना चाहें, बच्चे का बर्थडे करना चाहें, इसमें सेपरेट किचन है अगर आप किसी शेफ़ को भी ला के अपॉइंट करना चाहें। इस सब हम लोग सामने जिम देख रहे हैं, ये फुल्ली एसी जिम है और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं इसमें। वेट ट्रेडिंग ट्रेनिंग करने के लिए हम बात करें और हम ट्रेडमिल्स वगैरह की बात करें तो लगभग सारे ही इन्होंने इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्लांट करे हैं। साथ ही इसमें चेंजिंग रूम वगैरह से लेकर टॉयलेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये पूरा इनके जिम का व्यू है। यूपी रेरा से अप्रूव्ड है ये और इनका जो रेरा नंबर है यूपी रेरा PRJ3393 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप देखना चाहें डिटेल तो आप रेरा की वेबसाइट खोल के इसकी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, तो आपको पूरी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। ये देखिए एडल्ट पूल है इनका, स्टैंडर्ड साइज एडल्ट पूल है, साथ में ये किड्स पूल इनका लगा हुआ है, चेंजिंग रूम वगैरह भी हैं, साथ में टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। तो ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। छोटा साइज़ भी है और बड़ा साइज़ भी है, 2 बेडरूम का साइज़ भी है और 3 बेडरूम प्लस 4 टॉयलेट का भी साइज़ है। इससे हम लोग नीचे आ गए हैं बेसमेंट में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर, देखिए ये मेडिटेशन रूम है सामने, जहाँ पर आप सुबह अपने मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए ये इनका जो है सोना बाथ है और ये इनका जो है स्टीम चैम्बर है, आप स्टीम बाथ वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ पर। प्लस साथ में आपको यहाँ पर बच्चों के लिए डांस रूम वगैरह भी दिखेंगे, जो कि बहुत यूनिकनेस है। और ये यहाँ पे देखिए सामने ये लेडीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, जैसे जुम्बा हो गया, क्लासिकल डांस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह भी चलते हैं, टीचर्स वगैरह भी आते हैं सिखाने के लिए। तो आपके बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है प्रोजेक्ट की और इटालियन फिनिश है और कॉर्नर की यूनिट्स हैं यहाँ पर, 3-tier सिक्योरिटी वगैरह भी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वैसे तो नॉर्मल है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हुई है। देखिए सामने बिलियर्ड्स टेबल है, तो बच्चे आते हैं, लोग आते हैं बिलियर्ड्स खेलने के लिए। ये कैमरास वगैरह हैं। इस समय हम लोग बिल्कुल आउटर आ चुके हैं। ये 2 व्हीलर्स की पार्किंग है और ये ओपन कार पार्किंग है, 3 और जो है ये 4 व्हीलर्स की पार्किंग है। तो आप अपना घर बुक कराना चाहें तो आप इसे अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। सेंट्रल नोएडा का एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़।